जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर MR अक्टूबर 2020 बैच नोटिफिकेशन 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मुझे जुकाम है, इस वजह से मेरी आवाज़ सही से आपको शायद सुनाई न दे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और इसके लिए जो अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी निकाली गई है वो 400 है, और पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया है सेलर्स MR, जिसको शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म के अंदर मैट्रिक रिक्रूट बोलते हैं। और दोस्तों अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर दिया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम दी बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय MHRD। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सभी जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो सभी MHRD के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, तो आपको इसमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बोर्ड ये है तो क्या मैं इसमें आवेदन कर पाऊँगा। तो बेसिकली इसमें आपका सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, आप इसमें आवेदन कर पाओगे। जो भी स्पेसिफिकेशन यानी कि किस किस के लिए ये भर्ती निकाली है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो आपकी नियुक्ति की जाएगी वो तीन जो आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है उस पर होगी। एक है आपका सेफ, दूसरा है स्टेवर्ड और तीसरा है हाइजीनिस्ट। तो यहाँ पर इनमें आपको क्या काम करना होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तीनों के अलग अलग काम है। जैसे कि जो आपकी सेफ पोस्ट है इसके लिए आपको जो काम करना होगा, इन्होंने बताया है दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू, यानी कि आपको खाना तैयार करना होगा मेन्यू के अनुसार, जिसमें कि आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने बनाने होंगे, एंड अकाउंटिंग ऑफ राशन, और साथ ही आपको जो राशन है उसकी अकाउंटिंग भी करनी होगी, यानी कि कितना राशन आया है और क्या राशन कितना है, बेसिकली आपको राशन का खाता भी संभालना होगा। इन एडिशन दे विल आल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा आपको अदर काम भी दिए जा सकते हैं जो कि आपके सर्विस रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि जो भी सर्विस है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अन्य काम भी सौंपे जा सकते हैं, तो आपको वो काम भी इसके अंदर करने होंगे। अब आती है आपकी स्टेवर्ड की पोस्ट। इस पोस्ट पर जो आपसे काम कराया जाएगा वह है दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन द ऑफिसर्स मेसेस एज वेटर, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन एंड स्टोर्स, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू etc. यानी कि आपको इस पोस्ट पर फूड को सर्व करना होगा ऑफिसर्स को, मेसेस को एज ए वेटर के रूप में, यानी कि वेटर के रूप में आपको ये सब काम करना है। आपको हाउसकीपिंग करनी होगी और फंड्स की आपको अकाउंटिंग करनी होगी, यानी कि जो आपको फंड्स मिलता है उसको आपको जो बही खाता है वो भी देखना होगा। वाइन एंड स्टोर्स प्रिपरेशन आपको करनी होगी मेन्यू के अकॉर्डिंग। इन एडिशन दे विल आल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज, यानी कि इसके अतिरिक्त आपको जरूरत पड़ने पर अन्य काम भी सौंपे जा सकते हैं, तो आपको वो काम भी करने होंगे। तीसरी पोस्ट जो आपकी है वो है हाइजीनिस्ट। इस पोस्ट पर आपको क्या करना होगा वो भी आप जान लीजिए। दे विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन वाशरूम, शॉवर स्पेसिस एंड अदर एरियाज, यानी कि इसके अंदर आपको वाशरूम को क्लीन करना होगा, शॉवर स्पेसिस करने होंगे और अदर एरियाज भी आपको करने होंगे। और यहाँ पर भी आपको अगर जरूरत पड़ने पर अन्य काम सौंपे जा सकते हैं और वो काम आपको करने होंगे। तो मुझे आशा है कि आपके मन में जो डाउट थे कि जो भी स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाले हैं वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको मालूम हो गया कि आपको किस पोस्ट पर क्या काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसकी एज लिमिट, जो कि जो इंडियन नेवी की इस तरह की भर्ती आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर जो आपका जन्म है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच अगर हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से मुझे कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरा जन्म इस तिथि के बीच हुआ है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो आएगी और आप उसमें अगर अपनी रियल एज लिमिट डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो बाद में जब आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो अगर आपकी उम्र इस उम्र के बीच में नहीं होती तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी नहीं आएगा।
क्योंकि इस बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमारी उम्र इस सन के बीच हुई है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही अच्छे से कि भाई आपकी उम्र इस सन के बीच होनी चाहिए, अगर है तो आप आवेदन कर सकते हो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे कहने से ऐसा हो सकता है कि आपकी उम्र कम है या फिर ज़्यादा है और मैं बोल दूँ कि हाँ आप अप्लाई कर पाओगे, तो फिर तो मैं सबको बोल दूंगा कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, पर फिर भी आप देख लीजिए कि आपकी उम्र इस सन से इस सन के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में, यानी कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी और इसमें आपका प्रमोशन संभव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी तो उस वक्त आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स, यानी कि इसके बाद आपको जो पे लेवल रहता है लेवल 3 का उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दे विल बी पेड MSP 5,200 पर मंथ प्लस DA एज एप्लीकेबल, यानी कि आपको पर मंथ 5,200 MSP दिया जाएगा और जो DA है अगर वो एप्लीकेबल आपकी पोस्ट पर होते तो आपको वो भी दिया जाएगा। प्रमोशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ मास्टर सेफ PT ऑफिसर, यानी कि आपको इस पोस्ट पर प्रमोशन किया जा सकता है जो कि आपकी है मास्टर सेफ PT ऑफिसर, और इस पोस्ट पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो होगी 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये, और यहाँ पर भी आपको प्लस MSP दिया जाएगा जो कि 5,200 है, और अगर आपका DA एप्लीकेबल होता है तो आपको वो भी दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं और आपके सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के द्वारा होगा और फिर जो लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे और उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो स्टेट वाइज लगेगी ना कि ऑल इंडिया की। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से आवेदन कर रहे हो तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश से आवेदन किया है और एग्जाम दिया है फिर उत्तर प्रदेश की एक मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर आप उसमें अपना नाम बना पाते हो यानी कि नाम अपना वहां पर रख पाते हो लिस्ट के अंदर तो आपको आगे के लिए रेफर किया जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। और फिर दोस्तों जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएंगे उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर PFT बोलते हैं, और फिर जो लोग PFT भी क्लियर कर जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा होगा और इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर दिया है दी क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद ए टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। दी क्वेश्चन पेपर विल बी बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो आपका एग्जाम पेपर रहने वाला है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हो, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। दी क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्राइज ऑफ 2 सेक्शन, यानी कि आपका जो पेपर रहेगा क्वेश्चन पेपर वो 2 सेक्शन के अंदर बांटा गया होगा जिसमें कि पहला सेक्शन है आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा है जनरल नॉलेज, यानी कि 2 सेक्शन के अंदर आपका पेपर आने वाला है। फिर यहाँ पर डी पॉइंट है दी स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी डेट ऑफ क्लास 10th सिलेबस एंड सैम्पल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यानी कि जो आपके एग्जाम का लेवल रहने वाला है यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा जो 10th का सिलेबस रहता है जैसा कि आपने 10th पास किया तो उसी तरह के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एंड इन एग्रीगेट, यानी कि आपको दोनों सेक्शन के अंदर पास होना होगा। दी नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड इन एग्रीगेट, यानी कि ये अधिकार जो नेवी है वो अपने पास रखती है कि आप दोनों सेक्शन के अंदर पास हुए हो या फिर नहीं हो इसको देखने की। फिर आता है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। कैंडिडेट शुड नोट डैट दियर विल बी पेनल्टी, यानी कि निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाई ए कैंडिडेट इन दी क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग होने वाली है और इसमें आपकी जो निगेटिव मार्किंग रहेंगी दियर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर टू इवन एवरी क्वेश्चन फॉर इच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बिन गिवन बाई द कैंडिडेट
1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बेसिकली अगर आप चार क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक नंबर कट कर दिया जाएगा जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। तो आपको बहुत ही सावधानी से सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अगर आपको कहीं पर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप या तो उसका आंसर ना करें, अगर आंसर करें तो आप अगर दो क्वेश्चन के बीच में सॉरी दो विकल्प के बीच में कन्फ्यूजन हो तो तभी करें, अगर आप चारों के बीच में कन्फ्यूज हो तो आप उसका आंसर ना करें, नहीं तो फिर आपको घाटा हो सकता है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि जो लोग इसको क्लियर कर जाएंगे उनका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें क्या रहेगा। तो यहाँ पर दिया है जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें आपको कोई नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई होना होगा। PFT विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट, यानी कि आपको इसके अंदर 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 20 स्क्वाट्स यानी कि 20 उठक बैठक लगाने होंगे और 10 पुशअप आपको लगाने होंगे। और इन्होंने एडवाइजरी में इन्होंने आपको बताया है प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स में स्विमिंग जानते हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर जानते हो तो वो डिजायरेबल है, यानी कि अगर है तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आती आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। और दोस्तों जो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट करोगे ये आपको अपने रिस्क के ऊपर करना होगा, यानी कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका इंडियन नेवी जिम्मेदार नहीं होगी। अब दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ट्रेनिंग टैटूज़ के बारे में। टैटूज़ के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर बताया कि किस तरह के टैटू अलाउड है और किस तरह के टैटू अलाउड नहीं है, तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताया, तो आप ये जानकारी यहाँ से रीड कर सकते हो। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन फी, यानी कि आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, पर जो लोग इसके अलावा अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 215 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। और ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी, जिसमें कि आप वीज़ा मास्टर रुपए क्रेडिट डेबिट या फिर UPI का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा उसके 3 गुना कैंडिडेट आगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए रिजल्ट्स ऑफ दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस टेंटेटिवली आफ्टर 30 डेज, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो 30 दिन के बाद, जैसे कि आपका एग्जाम हो तो उसके 30 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 1200 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर PFT, यानी कि जितने लोग भी हिस्सा लेंगे उसमें से 1200 कैंडिडेट को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और प्रीलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम के लिए आगे भेजा जाएगा। अब चाहे आप कितने भी लोग इसमें आवेदन कर रहे हो, आगे सिर्फ 1200 कैंडिडेट जाएंगे और बाद में फिर 400 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया है। और जो आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे वो 23 नवंबर से होंगे और 28 नवंबर 2019 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जैसे 23 नवंबर को आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बस यही थी आपकी पूरी जानकारी इंडियन नेवी सेलर्स MR यानी कि मैट्रिक रिक्रूट अक्टूबर 2020 बैच के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।